ये हमारा डेक्लिनेशन है, तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट सस्पेंड करेंगे वो मैग्नेटिक प्लेन में होगा, मैग्नेटिक प्लेन में होगा, तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हें पता है कि एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बिलो बी द हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, तो डिप का सेंस हमेशा समझ में आता है, लगता है कि डिप मतलब नीचे, डिप ही हो रहा है वो, डिप मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। तो ये मान लो ये है यहाँ का डिप, तो ये है हमारा डेल्टा, और थीटा इज व्हाट, थीटा इज द डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन एंड डिप, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप। तो कई बार कई टीचर इमोशनल हो जाते हैं, सिर्फ डिप लिख दिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आया और तुम उसमें डिप लिख दिए, तो वो इमोशनल होकर नंबर काट देंगे। डिप क्या होता है पूरा लिखो, मैग्नेटिक डिप, इसीलिए इसको लिखना है। ये मैग्नेटिक सर, डिप। हाँ सर इस डायग्राम में डिप कैसे, डिप कौन सा होगा एक बार बताएंगे? डिप, अरे ये प्लेन है ना, अब दो प्लेन हो गए ना, दो यस सर। अलग अलग प्लेन, हम यहाँ पे हैं, इधर जो है हमारा जोग्राफिक नॉर्थ है, उधर एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये क्या हो गया डेक्लिनेशन। अब यहां से जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में है ये, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्लेन, मतलब तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा ना उसका डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का। ना ना, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन तो वहां पे है ना, यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, वो तभी तो डिप मिल रहा है। यस सर। अब वो तो डायरेक्शन बताना कि नॉर्थ उधर है, इसका मतलब कि वो जिधर जा रहा है उधर नॉर्थ है, कंपास नीडल रखेंगे तो वो किधर किधर होगा, वो तो हॉरिजेंटल प्लेन में जिधर बताएगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन है, समझ रहे हो, ये नहीं नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, यस हम हॉरिजेंटल सरफेस पे हैं, बट यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउन है, तो जो डाउन है तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये है हमारा बी एच और ये हो जाएगा वर्टिकल, तो बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, तो बी एच इज द अर्थ हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट, मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ, क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पहला एलिमेंट मैग्नेटिक डिप, दूसरा एलिमेंट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और थर्ड एलिमेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो ये तीन कॉम्पोनेंट हैं, तीनों के लिए जो है फोटो बना देना है, एक मिनट अब शेख, तीनों के लिए तुम्हें करना क्या, अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो इसको जो है 3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ जेई मेन और नीट और बोर्ड में है, एडवांस में ये सिलेबस में नहीं है, तो ये सब जो है बाहर ही रहता है, तो 3 मार्क्स में तुम्हें ये डिप, तीनों में एक एक फोटो और इनकी डेफिनेशन, ये चीज जो है याद रख लेना है, बस ये हो जाएगा। बताओ अभिषेक। सर, हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का जो आरआइज होता है वो होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है ज्योग्राफी एक्सिस से। नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं है, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस अगर कोइंसाइड भी कर, डेक्लिनेशन का रीजन, डेक्लिनेशन, हाँ सर, हाँ सर, हाँ 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 बोल सकते हैं, डेक्लिनेशन दोनों कोइंसाइड कर जी सर, जाएंगे तब तो फिर वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाए। यस सर। तो डेक्लिनेशन अगर हमें किसी पॉइंट पे पता है तो उस डायरेक्शन में उसको जाना है, तो डेक्लिनेशन का पूरा मैप होता है, वो मैप पे देख देखे कि इस पॉइंट पे कितना डेक्लिनेशन है, तो ये हो गए भाई तीनों, यस आगे आगे समझ में, सर। इसमें आ गया तुम्हारा कि पूछ लिया गया कि भाई बता दो क्या है कैसे है, ये बस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीप, अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अबाउट डेक्लिनेशन, ये सब। अब क्वेश्चन हम लेते हैं कि
तो जो डिप मेजर होता है ना, वो डिप मेजर होता है डिप सर्किल से। डिप सर्किल का मतलब क्या है कि डिप सर्किल वही जो वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल डायरेक्शन में। उसकी निडिल क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ये जो दिखाया था इसकी जो निडिल है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती, ये सिर्फ ऐसे ऐसे। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी तो ये निडिल जो है ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये एंगल जितना होगा वो डिप होगा, यहाँ पे जो है स्केल स्केल ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये है डिप सर्किल। जहाँ पे इसको पोल पे लेके चले जाएंगे तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा डिप सर्किल, डिप मेजर कर लेंगे। ये पोल पे ही है। हाँ, अब फोटो के हिसाब से ये पोल पे रखा हुआ है, ये बहुत समझ में आ रहा है तुमको। तो ये है, अब ये है डिप सर्किल, इसको बोलते हैं डिप सर्किल। ये है कंपास। कंपास जो है, कंपास किस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के वजह से डिफ्लेक्ट होगा? क्या कंपास के ऊपर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओनली जो है कंपास के ऊपर क्या वर्क कर रहा है, कंपास के ऊपर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में? ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डिप सर्किल के ऊपर, डिप सर्किल के ऊपर नेट वर्क कर रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है, रिजल्टेंट। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन मैं देता हूं और वो क्वेश्चन मान लो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। एट एनी पॉइंट डिप इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। किसी पॉइंट पे डिप जो है वो 60 डिग्री है, डिप 60 डिग्री है, तो मतलब क्या है कि मान लिया कि हमारा ये प्लेन है जो पेपर का प्लेन है, ध्यान से थोड़ा विजुलाइज करना, पेपर का प्लेन है और ये पेपर का प्लेन ही क्या होगा, मैग्नेटिक प्लेन होगा अगर हम डिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो मैग्नेटिक प्लेन में ही होगा। ये 60 डिग्री है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया बी कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी साइन 60 डिग्री। ये कौन सा प्लेन है, ये है मैग्नेटिक प्लेन, मैग्नेटिक प्लेन। अब इस प्लेन से अगर 30 डिग्री पे मैं मूव कर जाऊं, मतलब अगर मैंने डिप सर्किल को, अब देखो सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लो, लास्ट पॉइंट है बस, कि ये मेरा डिप सर्किल है, डिप सर्किल में निडिल जो है, निडिल ऑसिलेट कर रही है वर्टिकल प्लेन में, ये जो निडिल है ये मान लिया कि ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री बता रही है, ये 60 डिग्री बता रहा है, ये ले लेते हैं कि 60 डिग्री का इसका ओरिएंटेशन है 60 डिग्री। अब ये मैग्नेटिक प्लेन है, अगर मान लो इस निडिल को, ये जो डिप सर्किल है, उस डिप सर्किल के प्लेन को मैं रोटेट कर दूं ऐसे 30 डिग्री, इसी प्लेन को, ये था डिप सर्किल का प्लेन और इस प्लेन को 30 डिग्री रोटेट कर दिया गया, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टॉप से देखा जाए, टॉप से देखूं तो एक यहां से एक प्लेन लोकेटेड है जो कि 30 डिग्री पे है। ये मान लो कि ये है एसी और ये जो है सी डी है, तो अगर मैं टॉप से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, टॉप से ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे इस टाइप का दिखाई देगा, ये होगा ऐसे ऐसे। ये हमारा क्या है, ये तो मैग्नेटिक नॉर्थ होगा ही भाई, निडिल तो इधर ही इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा ये। इधर क्या है, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा, बी कॉस 60। Yes, और ये वर्टिकल वाला में कैसे दिखाई देगा, अगर हम टॉप से देख रहे हैं तो वर्टिकल वाला में कैसे दिखाई देगा, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस भी है, वो बी साइन 60 है, दो कंपोनेंट है। अब मान लो मैं 30 डिग्री इधर मूव कर जाता हूँ, उस डिप सर्किल को मैंने 30 डिग्री रोटेट कर दिया, 30 डिग्री रोटेट कर दिया, तो इधर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सपीरियंस करेगा, उसको मिलेगा, ये अगर बी एच है तो यहाँ पे ये इधर इसका एक कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा, बी एच कॉस 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
बी एच साइन 30 डिग्री। बात समझ में आई? मैं अब दूसरे प्लेन में मूव कर गया, उस डीप सर्किल को, जो डीप सर्किल पहले मैग्नेटिक प्लेन में था उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो वो क्या किया, वो दूसरे प्लेन में चला गया। तो जब दूसरे प्लेन में जाएगा तो क्या डिप की वैल्यू चेंज होगी? अब इस प्लेन को देखते हैं, देखो देखो आराम से, डरने कोई जरूरत नहीं है। यहां से डिप चेंज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ये कंपोनेंट है, लेकिन अगर मैं किसी उस डिप सर्किल को किसी और प्लेन में चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नेटिक प्लेन कोई डायरेक्शन होगी ना, ऐसे मान लिया कि ये एक मैग्नेटिक प्लेन है, मान लो तुम्हारा मोबाइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक प्लेन है, तो अगर उससे किसी और प्लेन में जाएंगे तो उस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बस मैं इतना बोल रहा हूँ। कैसे चेंज होगा? क्योंकि अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये जो फेस मुझे मिल रहा है ये ए सी है, और ये वाले को ड्रॉ करते हैं अगर, ये जो सी डी वाले को, तो सी डी वाले प्लेन में मुझे क्या दिखेगा, सी डी जो लाइन है ये सी डी है, सिर्फ सी डी को देखूंगा तो उस सी डी से पास होता हुआ जो प्लेन होगा, सी डी से पास होता हुआ जो प्लेन होगा, ये तो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, तो यहाँ इस लाइन पे तो मुझे मिल जाएगा क्या, इस लाइन पे मुझे मिला हुआ है बी एच कॉस 30 डिग्री। और क्या वर्टिकल कंपोनेंट तो ऐसे ही रहेगा सेम, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट तो डायरेक्ट है, दोनों के दोनों ऐसे बुक टाइप से ओपन हो रहा है, दोनों जो है ऐसे बुक टाइप से ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे यहाँ जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा, यहाँ जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा वो वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ ऐसे बी एच कॉस 30, और यहाँ पे क्या है बी एच सॉरी बी, इधर क्या था, बी साइन डेल्टा था ना, बी साइन डेल्टा डेल्टा था 60, और बी एच इज इक्वल टू 60। तो अब रिजल्टेंट अगर डिप सर्किल इस प्लेन में लोकेटेड है तो वो कितना डिप बताएगा, मान लिया वो डेल्टा डैश बता रहा है, व्हाट इज दैट डेल्टा डैश, डेल्टा डैश टैन डेल्टा डैश इज इक्वल टू बी साइन 60 डिवाइडेड बाय बी एच कॉस 30। बी साइन 60 बी एच क्या है, बी एच इज इक्वल टू B cos 60 into cos 30, B और B cancel out हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60, tan 60 हो जाएगा root 3, और ये हो जाएगा root 3 by 2 into 2, तो यहाँ से tan delta dash जो था हो जाएगा 2, और delta dash is equal to tan inverse 2, तो ये जो डेल्टा है इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप, अपेरेंट डिप। मतलब भाई ट्रू डिप फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होना चाहिए, हमको मैग्नेटिक प्लेन में लोकेटेड होना चाहिए, तभी हमें ट्रू डिप पता चलेगा। अगर हम किसी और प्लेन में चले जाएंगे तो हमें ट्रू डिप नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा उसमें, उसमें जो डिप जो एंगल आ रहा है वो क्या है, वो जो है अपेरेंट डिप है, ठीक है। तो ये है अपेरेंट, तो पहली ये बात समझ में आई कि अगर हम मैग्नेटिक प्लेन के अलावा और किसी प्लेन में जाएंगे तो डिप जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट डिप। क्यों अस्पर? यस सर। आवाज में समझे सर, कष्ट है। यस सर। ये है अपेरेंट डिप, अपेरेंट डिप। तो अपेरेंट डिप देखो लास्ट, सच में लास्ट अपेरेंट डिप, अगर मान लो ये प्लेन मैं रोटेट करता गया, ये प्लेन को मैं रोटेट करते गया 30, तो जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करके इसको जो है रोटेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर चले जाएंगे तो वहां पे अपेरेंट डिप कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर ये हमारा मैग्नेटिक वाला था और इसके परपेंडिकुलर अगर चले जाएंगे तो यहाँ तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल जो ये पॉइंट था सी,
और यहाँ पे मान लो ये डी पॉइंट है, उधर का एक कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा सर, कॉस 90 लेंगे। हाँ जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट था जिसको क्रॉस में दिख रहा था बीवी, तो जब इधर एग्जैक्टली हम परपेंडिकुलर में लोकेटेड होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बी एच कॉस 90 जीरो आ जाएगा। मतलब इस प्लेन में, किस प्लेन में, अ प्लेन लोकेटेड टू द 90 डिग्री ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन लोकेटेड टू द 90 डिग्री ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी जीरो। अब अगर इस प्लेन में देखेंगे, अब अगर हम इस प्लेन में सोचते हैं तो इस प्लेन में भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर मान लो वो डिप सर्किल गलती से इस प्लेन में आ गया तो उसका निडिल कैसा होगा, उसका निडिल वर्टिकल हो जाएगा, मीन पोजीशन वर्टिकल हो जाएगा। यस सर, वर्टिकल हो जाएगा। यस सर, तो ऐसा वहां पे ये जरूरी नहीं है कि वो पोल पे ही होगा, वो कौन से प्लेन में हो सकता है, उस प्लेन में होगा जो कि मैग्नेटिक प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझे। तो यहाँ पे yes, sir. क्योंकि हमको तो मैग्नेटिक प्लेन दिख ही नहीं रहा ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेन कहाँ है, तो वो मैग्नेटिक प्लेन को लोकेट करने के लिए यही पॉइंट यूज होता है लैब में। कैसे कि हम उस डिप सर्किल को घुमाते रहेंगे, घुमाते 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 जहां पे वो वर्टिकल हुआ, मतलब उससे फिर 90 का टर्न ले लेना है, वही है मैग्नेटिक प्लेन। क्यों? यस सर, यस सर, यस सर, कि हाँ सर, कि जो जिस प्लेन में भाई हम प्लेन, अब अपरेंट डीप समझ में आया कि अगर उस प्लेन में नहीं लोकेटेड होंगे, किसी और प्लेन में जाएंगे तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक कंपोनेंट आएगा जिससे कि हमारा डीप चेंज होता जाएगा, डीप चेंज होगा, चेंज होते होते मान लो हम ऐसे प्लेन में पहुंच गए जो कि परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर प्लेन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अब डिप सर्किल की जो निडिल होगी वो निडिल सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में आएगी, तो वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी। तो जहां पे हम वो डिप सर्किल ऐसे स्टैंड पे घूम सकता है, जैसे जैसे हम उसको घुमाते जाएंगे तो वो घूमते घूमते जिस प्लेन में परपेंडिकुलर हुआ ठीक उससे 90 रोटेट कर देंगे तो हम मैग्नेटिक प्लेन में आ जाएंगे, और अब जो एंगल वो बना रहा होगा दैट एंगल विल बी ट्रू डिप, समझे। यस सर, यस सर, यस सर। सिद्धि प्रिया से तो पूछना ही बेकार है क्यों, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। अरे भाई सर, ये सर क्वेश्चन बोर्ड में आता है क्या सर? नहीं, ये अपरेंट डिप के क्वेश्चन जेई मेन और नीट में आएंगे, बोर्ड में इतना आएगा तो फिर तो केस हो जाएगा, केस मुकदमा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्ली हो जाएगी और वो प्ली भी सारे टीचर कर देंगे। सर ये क्या हर साल क्वेश्चन आता है सर? हाँ, ऐसे मतलब फालतू टॉपिक का ये होता है कि दे दिया जाता है कि कौन पढ़ रहा है सारे टॉपिक, Yes. कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ने में सबको मजा आता है, थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ के बताओ। तो उसी टाइप का है ये, बट ठीक है, बहुत लॉजिकल, बहुत आसान है, बस वो टर्म बहुत सारे हैं, बहुत सारे टर्म हैं, थोड़ा सा उसमें विजुलाइजेशन है, तो काफी हद तक जो है विजुलाइज करवा दिया है तुमको।